तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप क्रूज कंट्रोल में चलाओगे या फिर नॉर्मल में ऐसे ही चलाओगे तो रेंज में कुछ फर्क आएगा या नहीं रेंज में कोई, तो प्रैक्टिकल में ट्राई करके देखेंगे। पहले हम क्रूज कंट्रोल में ट्राई करेंगे, दोनों में स्पीड तो बराबर ही रखेंगे मगर पहले क्रूज कंट्रोल में ट्राई करेंगे कि सेम स्पीड पर चलेगी तो माइलेज में या फिर ये जो रेंज दिखा रहा है उसमें कुछ फर्क आएगा कि नहीं। बाद में ऐसे ही ट्राई करके देखेंगे कि कुछ फर्क आएगा कि नहीं। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो 0 किलोमीटर है और टोटल ओडोमीटर भी आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ से खाली रोड है तो हम 30 की स्पीड पर ट्राई करेंगे क्रूज कंट्रोल में चलाना, देख सकते हैं कितने किलोमीटर तक चला सकते हैं वो भी देखेंगे। और आपको मैं ये भी दिखाऊंगा कि अभी कितना चार्जिंग बचा हुआ है और नॉर्मल मोड में ही चलाएंगे। यहाँ पर ये सारे चार्जिंग भी आपको दिखा देता हूँ, कितनी रेंज है क्या कुछ है। अभी 30 की स्पीड पर क्रूज कंट्रोल लग गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दोनों टेस्ट हम नॉर्मल मोड में ही करेंगे और गाना वाना कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसे ही चलेंगे, गाना नहीं बजाएंगे। और अभी 2 किलोमीटर चला लिया, ओडोमीटर भी देख सकते हो आप लोग और कितनी रेंज बची हुई है वो भी देख सकते हो। और यहाँ पर ये भी 1% चार्जिंग ड्रॉप हुआ है, सारी रेंज भी आप देख सकते हो। अब 30 की स्पीड पर वही ट्राई करेंगे, नॉर्मल मोड में ही ट्राई करेंगे और इस बार ट्राई करेंगे बिना क्रूज कंट्रोल के और देखते हैं कि रेंज में कुछ फर्क आता है नहीं। आप ओडोमीटर भी चेक कर सकते हो और टोटल किलोमीटर भी चेक कर सकते हो। अभी बिना क्रूज कंट्रोल के तो काफ़ी दिक्कत होगी 30 की स्पीड को मेंटेन करने में मगर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि स्पीड मेंटेन हो। बहुत बोरिंग सा फील हो रहा है 30 की स्पीड पर मगर क्या करें, सिटी में चेक करना हो तो यहाँ पर 80-90 तो जाएगी नहीं। कई लोग कमेंट करने आए गए कि भाई आपने तो ब्रिज पर ट्राई किया मगर मैं बता दूं तो जितना जोर चढ़ने में लगा तो सामने उतना कम जोर उतरने में लगेगा ना भाई। काफ़ी लोग पूछते हैं भाई आप राजकोट से हो, गुजरात से हो, कहाँ से हो, तो भाई मैं राजकोट से हूँ। पता नहीं आप लोगों को कैसे पता चल जाए, शायद से हम बैकग्राउंड में गुजराती में बात करते इसलिए या फिर वो मेरी हिंदी थोड़ी सुप्रीम लेवल की है इससे आपको शायद पता। अभी मैं जो पूरा लीवर थ्रोटल छोड़ दिया अभी पूरा स्पीड ज़्यादा हो रही है। नहीं ब्रेक लगाना तो चीटिंग हुई ना, वहाँ पर कैसे दिक्कत आई थी, तो इसमें अभी जाने दो। अभी थ्रोटल नहीं दिया है, ऐसे ही ढलान में ही जा रही है गाड़ी। अभी 30 से डाउन होगा तभी मैं थ्रोटल दूंगा। 115 की रेंज है, 2 किलोमीटर चला लिए, ओडोमीटर भी देख सकते हो और ये भी आप देख सकते हो कौन से मोड में कितनी है। पहले जब क्रूज कंट्रोल में चलाया तभी 91% बैटरी चार्जिंग थी और नॉर्मल मोड में 124 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा था। और जब 2 किलोमीटर चला लिया तब परसेंटेज बैटरी परसेंटेज में 1% का ड्रॉप आया और रेंज में भी 1 किलोमीटर ही कम हुआ जबकि हमने 2 किलोमीटर चला ली। तो उस हिसाब से क्रूज़ में हमने 2 किलोमीटर चलाई और रेंज सिर्फ 1 किलोमीटर की ही कम हुई। और अब बात करते हैं बिना क्रूज़ के, तो बिना क्रूज़ के जब हमने चलाई तो चार्जिंग में 2% कम हो गए 2 किलोमीटर चलाने पर और किलोमीटर में भी 2 किलोमीटर कम हो गए। नॉर्मल मोड में पहले 117 किलोमीटर थे और 86% चार्जिंग था और जो कट के हो गया चार्जिंग 84% एंड नॉर्मल मोड में रेंज भी कट के हो गए 115, मतलब कि चार्जिंग में भी 2% कम हो गए और रेंज में भी 2% कम हो गए। और ये सब हमने किया नॉर्मल मोड में, तो इससे तो ये साबित होता है कि अगर आप क्रूज कंट्रोल में चलाओगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। और ये तो काफ़ी छोटे लेवल पर हमने टेस्ट किया था, अगर आप चाहते हो कि 10-15 किलोमीटर में चलाकर टेस्ट करें वो भी हाईवे पर सेम स्पीड पर तो कमेंट में बताना, वो भी ट्राई करेंगे। अभी हमें चैनल मोनेटाइज होने में सिर्फ 300 सब्सक्राइबर के आसपास ही कम हो रहे हैं, तो
मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब अब तक मतलब ये वाली चैनल को आज तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और आगे आपको बहुत धमाकेदार वीडियो देखने मिलेगी। ये ओला तो कुछ चीज़ नहीं है, अगर एक बार मोनिटाइज करवा दो बाद में देखते हैं। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।